हाय गाइस, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 4 स्टेप हेयर केयर रूटीन, यानी कि समर हेयर केयर रूटीन, कि इस हॉट से वेदर में आप अपने हेयर को कैसे टैंगल फ्री रख सकते हो। तो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 4 स्टेप हॉट वेदर वाली हेयर केयर रूटीन, जो आपके बालों को रखेगी टैंगल फ्री, डैंड्रफ फ्री, हेयर फॉल नहीं होंगे और बालों को स्मूथ और मैनेजेबल बना के रखेगी और सन से कोई डैमेज नहीं होगा अगर आप अपने बालों को अच्छी तरह से केयर करोगे। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ यही आप सबसे। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप आता है वो होता है हेयर वाइलिंग। तो हेयर वाइलिंग के लिए मैं यूज करने जा रही हूँ मामा अर्थ का आमंड हेयर वाइल। ये हेयर वाइल आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और ये इस तरह के एप्लीकेटर में मिलता है, तो इसे अप्लाई करना बहुत ही ईजी हो जाता है और ये आपके स्कैल्प तक पहुंच जाता है। वाइल स्कैल्प तक पहुंचने से ये होता है ना कि हमारी स्कैल्प ड्राई होने से बच जाती है और सारी प्रॉब्लम तो स्कैल्प के ड्राई होने से ही होती है। अगर आपके स्कैल्प ड्राई हो गए तो डैंड्रफ हो जाएंगे, आपके हेयर फॉल होने लगेंगे, बाल ड्राई होने लगेंगे, पतले होने लगेंगे तो हेयर फॉल होगा। जब बाल कमज़ोर हो जाएंगे तो हेयर फॉल तो होगा ही 100%। तो आपको ऐसे ही अपने रूट्स में, बालों के रूट्स में वाइल को पहुंचा देना है इस एप्लीकेटर की हेल्प से। और अभी मेरा ये करंट फेवरेट वाल है, मैं अभी यही यूज करती हूँ। वीक में एक दिन मुझे बहुत पसंद आ रहा है और मेरे हेयर ग्रोथ को भी इसने बहुत अच्छे से प्रमोट किया है। तो आपको ऐसे ही करके हल्के हल्के हाथों से मसाज कर लेना है और उसके बाद आप रात भर के लिए या फिर 1 आवर के लिए छोड़ दें और फिर शैम्पू करना है। तो अगले स्टेप में आता है हमारा शैम्पू। शैम्पू के लिए भी मैं यूज करूँगी मामा अर्थ का आमंड शैम्पू। और गाइस जानते हो, अगर आप एक ही ब्रांड के सारे प्रोडक्ट यूज करते हो ना तो आपके बालों में सच में विजुअल इफ़ेक्ट दिखाई देता है, ये मैंने महसूस किया है। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ शैम्पू। शैम्पू को थोड़ा सा पानी में घोल लें, ड्राई कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये हमारे बालों को ख़राब कर देती है। थोड़ा सा अमाउंट लेके आपको अपने स्कैल्प से लेकर के स्कैल्प को बहुत अच्छे से मसाज करते हुए साफ़ करना है, क्योंकि हमें स्कैल्प को साफ़ रखना बहुत ज़रूरत है समर में, क्योंकि इसमें पसीने जम जाते हैं समर में, है ना, आपके भी जम जाते होंगे, मेरे तो गीले गीले हो जाते हैं स्कैल्प। अब चलते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ, जिसका है कंडीशनर। कंडीशनर के लिए मैं भी सेम यूज करने वाली हूँ मामा अर्थ का आमंड कंडीशनर। इसका भी आपको थोड़ा सा अमाउंट लेना है। ये देखिए मामा अर्थ का आमंड कंडीशनर, इसमें आमंड ऑयल है और विटामिन ई है। इसका थोड़ा सा अमाउंट आपको लेना है और अपने लेंथ पे आपको अप्लाई करना है, स्कैल्प पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। और गाइज आप तो जानते हैं कि मामा अर्थ हार्मफुल केमिकल फ्री है और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, इसीलिए मामा अर्थ के प्रोडक्ट मुझे बहुत ही पसंद है और ये प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। अब आता है नंबर 4th स्टेप हेयर मास्क का। तो हेयर मास्क के लिए मेरे पास है 2 ऑप्शन, मामा अर्थ का ऑनियन हेयर मास्क एंड मामा अर्थ का टी ट्री हेयर मास्क। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, एक हेयर फॉल कंट्रोल के लिए है और एक डैंड्रफ एंड इचिंग स्कैल्प के लिए है। दोनों पैराबिन सिलिकॉन फ्री है, डर्मेटोलॉजिक टेस्टेड है एंड ऑल स्किन टाइप है विथ बायो एक्टिव टी ट्री। चलिए तो बात करते हैं टी ट्री हेयर मास्क की। टी ट्री हेयर मास्क में है टी ट्री वायल, आर्गन वायल, लेमन वायल एंड कार्डवुड वायल। टी ट्री वायल क्या करता है कि आपके स्कैल्प में जो इन्फेक्शन होते हैं ना, फंगस बन जाते हैं, ये उसे दूर करता है और आपके डैंड्रफ से आपको बचाता है। और आर्गन वायल आपके स्कैल्प को नरिश और मॉइस्चराइज बनाता है। तो टी ट्री हेयर मास्क जो है आपके डैंड्रफ को दूर करेगा, फ्रीजनेस को, इचीनेस को दूर करेगा। तो आज मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये ऑनियन का हेयर मास्क। ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है, ये मेरे हेयर फॉल को बहुत ही कंट्रोल करके इसने रखा है। ये है ही हेयर फॉल कंट्रोल के लिए एंड ये आपके टेंगल्स को फ्री करेगा और ये भी केमिकल ट्रीटेड हेयर के लिए है। और इसके जो इन्ग्रीडियंट है ना वो है ऑनियन ऑयल, ऑर्गेनिक बॉम्बो विनेगर प्लस कोकोनट वाइल एंड रोजमेरी वाइल। ये हेयर मास्क जो दोनों है ना, इसकी खुशबू आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और हेयर मास्क को आपको अप्लाई करके 10 से 15 मिनट के लिए अपने बालों में रखना है और इसके बाद फिर आपको वॉश करने लेना है। और अच्छे रिजल्ट के लिए आपको 2 से 3 बार वीक में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं।
एंड मेन एंड वोमेन दोनों भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको वेट करना है 10 से 15 मिनट, उसके बाद में हेयर वॉश के बाद आपको मिलूँगी और दिखाऊँगी मैं अपने बालों की रिजल्ट कि मेरे बाल कितने अच्छे टैंगल फ्री हो गए हैं। तो ये हो गए हैं मेरे हेयर वॉश। हेयर वॉश के बाद देखिए मेरे बाल बहुत ही स्मूथ लग रहे हैं, मुझे छूने में टच करने में मुझे बहुत अच्छा, पहले मेरे बाल बहुत ही फ्रीजी हो गए थे, देखिए कितने टैंगल फ्री। और मेरे बाल, मैंने ये रूटीन महीनों से फॉलो किया और मेरे हेयर में विजुअल इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है। तो आप भी अगर ये सारे प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो आपको ये मिल जाएंगे मामा अर्थ, अमेजोन, नायका, पर्पल एंड मामा अर्थ की खुद के वेबसाइट। हाँ जी हाँ, मामा अर्थ ने खुद की वेबसाइट लॉन्च की है जिस पे आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे PV2022 तो आपको अच्छे खासे 20% डिस्काउंट वाले मिल जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगी, तो आप ये प्रोडक्ट ज़रूर बाय करो। और आप लोग तो जानते हैं ये मामा अर्थ हार्मफुल केमिकल फ्री है और ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी होती है। एंड मामा अर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव इंडियन ब्रांड है। एंड मामा अर्थ वालों की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि आप जब भी इनके प्रोडक्ट बाय करते हो ना, तो मामा अर्थ वाले एक पेड़ उगाते हैं, तो आप ज़रूर बाय करो और एक पेड़ लगाने में उनकी मदद करो मामा अर्थ वालों की, ताकि हमारी इन्वायरमेंट बच सके और आप भी अपने हेयर को ऐसे फ्रीजनेस से बचा सको समर में। तो ये वाले प्रोडक्ट आप ज़रूर ट्राई करना और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।